हमारे शासन में इस्लामिक देशों के बीच भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मोदी, उन्होंने कहा कि इन 50 सालों में ज्यादातर समय कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों की सरकार रही, वे भारत की आवाज को दुनिया के ऐसे मंच पर बुलंद क्यों नहीं कर पाए। पटना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए रविवार को कहा कि हमारे शासन में इस्लामिक देशों के बीच भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पटना के गांधी मैदान में रविवार को आयोजित राजग की संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि दुनिया में कहां और किससे कैसे बात करनी है और उसका परिणाम क्या होता है, उसे देश आज अच्छी तरह से अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इस्लामिक देशों के सम्मेलन में कैसे भारत को सम्मान के साथ बुलाया गया, हमारी बात सुनी गई। 50 साल बाद ऐसा हुआ है। मोदी ने रैली में भाग लेने आए लोगों से पूछा कि आपको गर्व, आनंद और अभिमान होता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि इन 50 सालों में ज्यादातर समय कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों की सरकार रही, वे भारत की आवाज को दुनिया के ऐसे मंच पर बुलंद क्यों नहीं कर पाए, क्या उन्हें इसका जवाब देना चाहिए या नहीं। मोदी ने सऊदी अरब के युवराज के भारत दौरे के दौरान उनसे स्वयं द्वारा हज यात्रा पर जाने वालों की संख्या बढ़ाए जाने और वहां की जेल में बंद भारतवासियों के मामले के शीघ्र निष्पादन के अनुरोध का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हज कोटे को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है तथा वहां की जेल में बंद भारत के 850 लोगों को छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये भारत की आवाज सुनी जा रही है और ये होता है दुनिया के साथ नाता। उन्होंने कहा कि यह विदेश में भारत के बढ़ते प्रभाव और दूसरे देशों के साथ मजबूत होते हमारे रिश्ते का एक और उदाहरण है, लेकिन यह इसका भी उदाहरण है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किस तरह से देश चलाया है। वोट लेकर भूल जाने वाले लोगों को आप भली भांति देश पहचान गया है। रैली को बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया।